इंदौर इच्छापुर हाईवे पर शनि मंदिर के पास राख से भरा कैप्सूल वाहन पलट गया। इस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। क्लीनर हाईवे के नाम से प्रख्यात इंदौर इच्छापुर हाईवे पर साल के अंतिम क्षणों में भी दो लोगों की मौत ने एक बार फिर लोगों के दिल दहला दिए। सनावा से मात्र 2 किलोमीटर दूर शनि मंदिर के पास मोड़ पर रात 9 बजे मूंदी पावर प्लांट से राख भरकर निम्बाहेड़ा की ओर जा रहा कैप्सूल ट्रक पलट गया। कैप्सूल ट्रक ड्राइवर सद्दाम और क्लीनर हासिम दोनों ही केबिन में फंस गए। लगभग 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद क्रेन से 100 टन वजनी कैप्सूल के केबिन को उठाया गया। कटर से सीट काटी गई, तब दोनों के शव को बाहर निकाला जा सका। दूसरे कैप्सूल ट्रक के ड्राइवर विनोद कुमार ने बताया कि यह कैप्सूल दुर्गा रोड लाइन से निम्बाहेड़ा का है, जो मूंदी से राख भरकर जा रहा था। दोनों के शव को सनावत के सिविल अस्पताल के मर्चुरी में रखा गया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? ये जो गाड़ी आ रही थी कहाँ से आ रही थी? कहाँ से आ रही थी? मुंडी। हाँ, पावर प्लांट मुंडी। मुंडी में? मुंडी में। मुंडी से आ रही थी, कहाँ जा रही थी ये? निम्बाहेड़ा। कौन से कंपनी का था ये अपने कैप्सूल? श्री दुर्गा रोड लाइन। इसके अंदर जो ये जो लोग अभी हाल एक्सीडेंट के अंदर एक्सपायर हुए, कौन कौन लोग हैं ये? एक सद्दाम और इसके साथ एक खलासी था। खलासी का नाम क्या है? मालूम नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं ये? ये सर, ये बिगोद, लाडपुरा बिगोद के। बिगोद के रहने वाले? तो ये कितने बजे हादसा हुआ अभी हाल ये? सर अभी 1 घंटे पहले। ये राख लेकर आ रहे थे कि लेने जा रहे थे? लेकर आ रहे थे सर, वापस जा रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।